था कि शिष्य मंडली के साथ भोजन की आज्ञा सुनकर पांडव व्यथित हो जाते हैं। बदलती हुई स्थितियों से व्यथित और विचलित देवर्षि का भोलेनाथ मार्गदर्शन करते हैं। धर्म संकट में पड़े पांडव आत्महत्या का निश्चय करते हैं। सभी को रोककर द्रौपदी अपने सखा श्री कृष्ण को पुकारती है। सूर्य देव के अक्षय पात्र में लगे अन्न भाग को खाकर श्री कृष्ण सारे संसार की भूख शांत कर देते हैं। उधर स्नान ध्यान पूर्ण कर जल से बाहर निकले महर्षि दुर्वासा संकेत से अपने एक शिष्य को समीप बुलाते हैं। वत्स, आज्ञा भगवान। समीप ही स्नान कर रही हमारी विशाल शिष्य मंडली को पांडवों की कुटिया में पहुंचने का निर्देश दो और उनसे कहो कि हम भी उसी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो आज्ञा भगवान। भगवान, स्नान ध्यान तो पूरा हुआ। सत्य, गंगा स्नान करके मन प्रसन्न हो गया। वत्स वेदज्ञ, तुम तो भोजन करने से पहले ही तृप्त हो गए। ये कैसा चमत्कार है, भोजन करने से पहले ही भूख शांत हो गई। अब तो कुछ भी खाने की इच्छा शेष नहीं रही। हाँ भगवान, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं पूर्ण रूप से तृप्त हो चुका हूँ। अब एक कौर भी और खाया तो वमन हो जाएगा। क्षमा करें भगवान, आपके सभी शिष्यों की भूख समाप्त हो चुकी है। सभी तृप्त हो चुके हैं, किसी को भी भोजन की इच्छा शेष नहीं है। मेरी भी दशा ऐसी है भगवान, ऐसा लगता है आवश्यकता से अधिक खा लिया है। व्यर्थ ही पांडवों ने हमारे आतिथ्य का कष्ट उठाया, वे तो स्वयं कष्टों में जी रहे हैं। न जाने क्या क्या यत्न करके उन्होंने हम सब के लिए भोजन की व्यवस्था की होगी। यह तो बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे। भगवान के सच्चे भक्तों को सताना घोर पाप है और पांडव तो वैसे भी महात्मा है। दुर्योधन को वचन देकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी वत्स वेदज्ञ। अब क्या होगा भगवान? अब तो मुझे वही दिन दिखाई दे रहा है वेदज्ञ, जब मैं इसी प्रकार भोजन की अभिलाषा लेकर महाराज अम्बरीश की राजसभा में गया था। महाराज अम्बरीश की राजसभा में? हाँ वत्स, बहुत पुरानी बात है। महाराज अम्बरीश को भोजन की आज्ञा देकर मैं स्नान ध्यान को चला गया। मुझे स्नान ध्यान में तनिक अधिक समय लग गया। उस दिन द्वादशी थी, जो केवल घड़ी भर को शेष रह गई थी। धर्म में आस्था रखने वाले महाराज अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। फिर क्या हुआ? ब्राह्मणों को मार्गदर्शन प्राप्त करके द्वादशी रहते भोजन न करने के दोष से बचने के लिए महाराज ने जलपान कर लिया। तब तो निश्चित ही आपने उन्हें शापित किया होगा। शापित ही नहीं, मैं तो उसे भस्म कर देना चाहता था। अपने केशों की एक जटा को तोड़कर मैंने एक कृत्या को जन्म दिया। वो कृत्या महाराज अम्बरीश को मारने के लिए आगे बढ़ी, तभी अचानक भक्त वत्सल भगवान श्री हरि का चक्र वहां आ पहुंचा। कृत्या को मारकर वो चक्र मेरी ओर बढ़ा। उस चक्र से बचने के लिए मैं भागा, भागता रहा। भागते भागते मैं दशों दिशाओं में गया और फिर मैं सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव के पास पहुंचा। उन्होंने मेरी रक्षा नहीं की। फिर मैं कल्याणकारी भगवान शिव के पास पहुंचा, परंतु भगवान शिव ने भी मुझे निराश कर दिया और अंततः मैं अपनी रक्षा के लिए वैकुंठनाथ पहुंचा। और जानते हो वैकुंठनाथ ने मुझसे क्या कहा? नहीं जानता भगवान। श्री हरि ने कहा, रुद्रावतार सुआसा जी, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। न तो मुझे अपने आप से मोह है और न ही अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी से। मुझे मोह है तो मात्र अपने भक्तों से। क्षमा कीजिए रुद्रावतार सुआसा जी, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मेरा चक्र सुदर्शन तो आपके पीछे लगा ही रहेगा और अवसर पाते ही आप पर प्रहार भी करेगा। फिर क्या हो भगवान? त्रिलोकीनाथ ने मुझे मार्गदर्शन दिया
कि यदि इस कष्ट से बचना चाहते हो सुवासा, तो नाभा पुत्र महाराज अम्बरीश की शरण में जाओ। मैंने महाराज अम्बरीश से क्षमा याचना की, उन्हीं की कृपा से मेरी जीवन रक्षा हुई। आज भी मैंने नाहक ही पांडवों को सताया, उसी कारण भगवान की माया और रोष ने ऐसा चमत्कार किया है, हम सबकी भूख शांत हो गई। तो हम क्या करें भगवान? यदि आज्ञा हो तो हम धर्म में आस्था रखने वाले पांडवों से चलकर क्षमा याचना कर लें। नहीं नहीं वत्स, इस समय पांडवों के सामने जाना उचित नहीं होगा। हमारी भलाई इसी में है कि शीघ्र अतिशीघ्र यहां से भाग चले। मस्तक पर चंदन का तिलक तो लगा ले भगवान। तिलक विलक सब बाद में लगा लेंगे वेदज्ञ, इस समय तो यहां से प्रस्थान करने में ही हम सबका कल्याण है। कहीं श्री हरि का चक्र फिर से आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। बस तुम तीव्र गति से जाकर शिष्य मंडली को भागने का संदेश दो। जो आज्ञा भगवान। और बस वेदज्ञ यहां से शीघ्र अतिशीघ्र निकल चले। चलो। महर्षि सुवासा और उनकी शिष्य मंडली कहाँ गई? भ्राता श्री के कहने पर वे सब इसी ओर आए थे। सुनो भैया, क्या तुमने उधर कुछ ऋषि मुनियों को स्नान करते हुए देखा है? स्नान करते हुए तो नहीं देखा, हाँ भयभीत होकर भागते हुए अवश्य देखा है। भयभीत होकर भागते? मैं कुछ समझा नहीं। समझा तो मैं भी नहीं। आज से पहले मैंने बालकों के समान ऋषियों को कूद कूद कर भागते कभी नहीं देखा। वे सब बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। मुझे तो लगा कोई सिंह अथवा जंगली पशु आ गया होगा। खेत का काम छोड़कर मैं उस पशु को देखता हुआ यहां तक चला आया हूं। मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। दिख जाता तो ऋषि को सताने वाले उस पशु को मार कर गिरा देता। रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा का इस प्रकार अतिथि बनने की इच्छा से आना और बिना बताए अचानक चले जाना, इसका कारण नहीं समझ में आया। भ्राताश्री, कारण तो बहुत ही सरल और स्पष्ट है। पांडवों को केवल दुर्योधन के स्वार्थ की परीक्षाओं से ही बार बार कष्ट उठाना पड़ रहा है। अर्थात ऋषियों का यहाँ आना? हाँ पार्थ, मुझे इस बात के संकेत पहले से ही मिल चुके हैं कि दुर्योधन अपने मामा शकुनि के साथ दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास कर रहा है। अर्थात ये सब दुर्योधन के प्रयासों का ही परिणाम है। बड़े भैया, इस षड्यंत्र का सूत्रधार और कोई नहीं बल्कि गांधार नरेश शकुनि है। बड़े भैया, ये तो प्रारंभ है। वनवास काल में कौरव आपको ऐसे ही दुख देते रहेंगे। तो क्या इन दुखों के उपचार के लिए और कोई उपाय नहीं है केशव? पांचाली, स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की भूमि पर जन्मा दुर्योधन मेरी दृष्टि में एक रोग है, और इस संसार में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका कोई उपचार ना हो। हे द्वारकाधीश, हम इस रोग के उपचार को जानना चाहते हैं। सभी असाध्य रोगों का उपचार एकमात्र शिव भक्ति से किया जा सकता है। भगवान शिव समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है वो कभी दुखी नहीं रहता। थोड़ा यत्न करने मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम सब देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने का प्रयत्न आज ही प्रारंभ करते हैं। शिव भक्ति पर तो जन्म लेने वाले हर प्राणी का अधिकार है, परंतु आप सबके कष्टों का अंत करने के लिए केवल पार्थ को ही शिव भक्ति में लीन होना होगा। मुझे नहीं केशव, मैं शक्ति का उपासक हूं, मुझे भक्ति पर विश्वास नहीं। यह बात तुम इसलिए कह रहे हो पार्थ क्योंकि तुम्हें अब तक भक्ति की शक्ति का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है।
भक्ति तो दीनहीन और असहाय लोगों पर ही सुहाती है केशव, हम वीरों पर नहीं। ये तुम्हारी भूल है पार्थ, तुम अपनी ये बात सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि भक्ति की शक्ति इस संसार की किसी भी शक्ति से श्रेष्ठ और सर्वोच्च है। बड़े भैया, क्या आप भी यही चाहते हैं कि मैं स्वयं को शिव भक्ति में लीन कर दूं? हाँ अनुज, यदि द्वारकाधीश के बताए मार्ग पर तुम चलोगे तो हम सबका जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। ठीक है बड़े भैया, यदि आपकी भी इच्छा यही है तो मैं स्वयं को शिव भक्ति में लीन करने का प्रयास करूंगा। कहें केशव, मुझे क्या करना होगा? पार्थ, पहले तो तुम्हें अपने मन को स्थिर करना होगा, क्योंकि भक्ति की सफलता मन की स्थिरता पर ही निर्भर करती है। फिर इंद्रकील पर्वत पर जाकर शिव आराधना से पहले अपनी तपस्या का अग्र पूज्य देवराज इंद्र को मानकर शक्र विद्या से देवराज इंद्र को प्रसन्न करो। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर तुम्हें पवन हितकारी, पवन पावन और संसार में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध शिव मन से दीक्षित करेंगे। यशस्वी भव। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने मन को भक्ति में लीन करने में सफल हो जाऊं। तुम ऐसे क्यों जा रहे हो पार्थ? पांचाली, वीर श्रोमणि, अर्जुन का गांडीव लेकर आओ। परंतु केशव, भक्ति में अस्त्र का क्या काम? प्रश्न काम का नहीं है पार्थ, प्रश्न है धर्म का। तुम क्षत्रिय हो पार्थ, और क्षत्रिय धर्म तुम्हें इस बात की आज्ञा देता है कि तुम अपनी प्रजा और असहायों की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र सदा अपने साथ रखो। पुत्र, आप एक शुभ संकल्प के साथ तपस्या करने जा रहे हैं, आप सफल हो। यदि कोई आपको कष्ट पहुंचाने अथवा शत्रुता भरी दृष्टि से देखने का दुस्साहस करे तो उसे दंडित अवश्य करे। आपकी विजय में ही मेरा सम्मान है। आपका गांडीव अत्याचारियों के अत्याचार को दंडित करने में सफल हो। मैं तो अपनी शक्ति का प्रयोग सदा अत्याचारियों का अंत करने और सम्मान की रक्षा के लिए करना चाहता हूं, परंतु मुझे इस समय भक्ति में लीन हो जाने का आदेश दिया गया है, और बड़ों के आदेश को मानना मेरा धर्म है। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए बड़े भैया, क्योंकि द्वारका पहुंचने से पहले मुझे एक और आवश्यक कार्य पूरा करना है। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं द्वारकाधीश? नहीं बड़े भैया, यह कार्य तो केवल मुझे ही पूरा करना है। बंद बंद करो ये प्रलाप, बंद करो, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। मामा श्री के आपको इस गुप्तचर की बात पर विश्वास है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पांडवों के साथ मिलकर हमें भ्रमित करने का समाचार सुना रहा है। भांजे, इसमें ना विश्वास करने का तो कोई कारण ही दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या आपको इस गुप्तचर की बात सत्य लग रही है? भांजे, इसकी आंखें सत्य का संकेत दे रही हैं। मामा श्री, आंखों से सत्य का अनुमान असत्य भी तो हो सकता है।
नहीं भांजे, आंखें कभी भी असत्य नहीं बोलती। स्वामी और आराध्य के सामने आंखों में विनम्रता छा जाती है। शत्रु और विरोधी के सामने आंखों में रोष और लाली आ जाती है। और प्रिय पुत्र और संबंधियों के सामने आंखें सरस हो जाती हैं। षड्यंत्र और असत्य के समय आंखों में भय छा जाता है। भय और ध्यान जी प्रियतमा के सामने आंखें तिरछी हो जाती हैं। ये आंखों की भाषा है भांजे, आंखों की भाषा। और इन्हें पढ़ने वालों को आंखों में छुपी सच्चाई साफ साफ दिखाई दे जाती है। सत्य कहा आपने मामा श्री, सर्वथा सत्य। तुम जा सकते हो गुप्तचर। जो आज्ञा। परंतु मामा श्री, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि रुद्र अवतार महर्षि दुर्वासा, जिनका क्रोध सारे संसार में प्रसिद्ध है, उन्हें भागने के लिए विवश क्यों होना पड़ा मामा श्री? क्यों भांजे? जो कारण समझ में नहीं आता उसे ही तो चमत्कार कहते हैं। और ना समझ में आने वाले चमत्कार को दूर से ही प्रणाम कर दिया जाता है। क्या कहा आपने, क्या कहा मामा श्री? नहीं नहीं मामा श्री, मैं दूर से प्रणाम करके पांडवों को क्षमा नहीं कर सकता, माने नहीं कर सकता मामा श्री। आपने सुना नहीं कि उस गुप्तचर ने क्या कहा? उसने ये कहा कि द्वारकाधीश कृष्ण के कहने पर अर्जुन शिव आराधना करने के लिए इंद्रकील पर्वत की ओर निकल चुका है मामा श्री।